हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल आरपीसी के द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर की दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से भरने जाएंगे। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन शामिल हो गए, ये मैं कल की कक्षा में आपको सब कुछ बता चुका था। एमकॉम वाले प्रत्येक विद्यार्थी जिनकी 48% है वो सब शामिल होंगे। बीकॉम में उनकी परसेंटेज क्या है ये कोई मैटर नहीं करती। एमए में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और स्टेटिक्स है विद 48% वो शामिल होगा। और दोस्तों बीएमएससी के अंदर दोस्तों जिनके पास मैथ्स है या स्टेटिक्स है वो शामिल होंगे विद 48% के साथ। बीटेक एमटेक वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे, एमबीए वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे, तो बार बार मैसेज या कॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइव क्लासेस जो है मित्रों वो 1 दिसंबर 2021 को स्टार्ट होगी, यानी बुधवार से दिन, गणेश जी के वार के दिन से शाम को 7 से रात के 9 बजे तक। ओके, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिया है जिसकी फीस मैंने मात्र 1199 रुपए रखी है, यानी 1199 रुपए रखी है, लगभग 1200 रुपए रखी है। ओके, और जब आप कोर्स को परचेज करते हो दोस्तों, वहां पर मैंने एक टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा जिसको आप ज्वाइन करके दोस्तों आप लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। ओके दोस्तों, वहां पर मैंने अभी एक भी क्लास को अपलोड नहीं किया। इसका कारण क्या है दोस्तों, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस बैच को पूरा दोस्तों नए सिरे से लाइव पढ़ाऊंगा। पेपर वन क्लासे अपलोड दूंगा आपको, रिकॉर्डेड दूंगा आपको सारी जो हमने संगणक में पढ़ी थी, क्योंकि सारा संगणक का कोर्स है। ओके, लेकिन दोस्तों पेपर टू की सारी कक्षा आपको मैं लाइव दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों 2-3 टॉपिक बड़े टिपिकल है, जैसे सैम्पलिंग का टॉपिक, स्किमनेंस का टॉपिक और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा डेंजरस है, जहां से 4-5 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं जो आपके दोस्तों मेरिट को डिसाइड करते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज रात को 8 बजे मैं प्रीवियस 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था एएसओ का, उसका डिटेल सॉल्यूशन करवाने जाऊंगा। तो सभी लोग रात को 8 बजे आना ना भूले। ओके मेरे प्यारे साथियों, सबसे शानदार है, मैंने अपनी फीस सबसे मात्र कम रखी है। और दोस्तों जानते हो इस फीस की कीमत दोस्तों, आप वो आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, वो संगणक में सबने देख लिया। अदर अदर संस्थानों में पढ़ने के बाद भी दोस्तों सबने यहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया, ये आपका विश्वास था दोस्तों मेरे प्रति और हमारी टीम के प्रति दोस्तों। ओके, और सबसे बड़ी बात है आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, मैं जितना बोलूंगा उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। सब जानते हैं कि दोस्तों मैं बोलता कम और करके ज्यादा दिखाता हूं। ये संगणक में बच्चे देख चुके, रीट में बच्चे देख चुके थे, ग्रेड फर्स्ट में बच्चे देख रहे, वो एवरीथिंग हर एग्जाम में दोस्तों मैंने बच्चों को जितना बोला उससे ज्यादा बच्चों को दिया। ओके, एक बात और, जिन्होंने संगणक का कोर्स ले रखा है और वो एएसओ की तैयारी करें तो उनको दोबारा एएसओ का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ चीजें होगी तो मैं दोस्तों उनको वहां पर ऐड कर दूंगा, आपको दोबारा से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और दोबारा से मेरे को या मेरी टीम को परेशान करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को सुनते नहीं हो, इसलिए दोस्तों तुम परेशान ज्यादा रहते हो। मैं मात्र डेली सुबह और शाम 2-2-5 मिनट की वीडियो बनाता हूं, उन वीडियो को देख लिया करो दोस्तों। इससे क्या होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अब आप तो क्या फोन टिक 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 फोन लगा दे दो, हेलो सर ये है वो है, नहीं दो। हमारे पास कोई इतनी टीम थोड़ी दोस्तों यार, मेरे पास कोई इतनी टीम नहीं, सारा काम मैं अपने अंडर में लेकर काम करता हूं, क्योंकि मैं बच्चों से सामने रहकर बात करना चाहता हूं। तो आप लोग कॉल या मैसेज मत किया करो हमारी टीम को दोस्तों, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे पहले मैं सारा समाधान करके बैठा रहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी तो एक विद्यार्थी रहूंगा। स्टूडेंट के क्या क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, मैंने तो फेस की होगी, मैंने वो कभी जीवन में सीखा होगा कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है, बच्चे को क्या क्या चाहिए। तुम्हारे बिना कहे मैं दे देता हूं। एक समस्या रहती है पीडीएफ को डाउनलोड करने की। अरे पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका मैं बता चुका, जब आप पीडीएफ को व्यू करते हो तो आप क्या राइट, ये राइट हैंड है, आप राइट हैंड पे डाउनलोड करते हो, नहीं लेफ्ट हाथ पे डाउनलोड करना। लेफ्ट हाथ पे डाउनलोड करोगे वो फोन में डाउनलोड होगी, प्रिंट निकाल लेना, हो जाएगा हर काम सिस्टमेटिकल है। आप ऐप को देखो, उस ऐप के सारे फोल्डर को देखो, सब कुछ मिलेगा। और एएसओ का नया बैच बिल्कुल नए सिरे से शानदार जानदार तरीके से स्टार्ट होगा दोस्तों, कब, 1 दिसंबर 2021 को। और दोस्तों मैं कह दूं एएसओ का एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है, तो तैयारी करना शुरू कर देना मित्रों। इस बार दोस्तों संगणक के अंदर तो अपना परचम ले रहा है और एएसओ के अंदर भी परचम ले रहा है। ओके, इसी प्रकार की जानकारी आपको देता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोर्स लेने के बाद घबराना नहीं, वहां पर एक भी वीडियो नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वीडियो मैं नहीं डालूंगा, रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड कचरा होता है और मेरे को रिकॉर्डेड चीजों से सख्त ना पड़ा। मैं कोर्स को कोर्स के अकॉर्डिंग तैयार करता हूं और सिलेबस टू सिलेबस दोस्तों सारे वीडियो अपलोड करता हूं। ओके, इसलिए दोस्तों मैं वहां पर रिकॉर्डेड चीज बिल्कुल नहीं दूंगा। रिकॉर्डेड चीज दूंगा वो आपको बोल कर दूंगा कि देखो ये रिकॉर्डेड है, इसको ऐसे से पढ़ना, आपको गाइड करूंगा। एक होता है छोटे बच्चों को गाइड करना, वैसे गाइड करूंगा। तो दोस्तों जरूर देखिए और दोस्तों इस वीडियो को सभी जगह तक शेयर कर दे, जो दोस्तों मैक्सिमम विद्यार्थी जो राजस्थान के अंदर दोस्तों, और मित्रों एक बात ध्यान, 1199 फीस आपकी कम है या ज्यादा बताना जरूर दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि 1199 इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसकी कीमत 5000 रुपए रखता तो भी बच्चा मेरे को दे देता, थोड़ा परेशान होता, गाली निकालता, सर ऐसे इतना वो लूटो मत फलाना ठीक ये, बट दोस्तों 5000 भी दे देता मेरे को, मैं पता है, क्योंकि मैंने टारगेट क्या रख रखा, 20,000 बच्चे
20,000 बच्चों का टारगेट है, क्योंकि 14,500 बच्चे दोस्तों अपने संगणक के अंदर है, तो इसके अंदर 20,000 का टारगेट है कि 20,000 से अधिक बच्चों को मैं पढ़ाऊं और दोस्तों उनको देश के अंदर दोस्तों मतलब राज्य के अंदर ASO के अंदर सेलेक्ट कराऊं दोस्तों, यही मेरा संकल्प रहेगा। ओके, और संगणक की क्लासे यथावत चली रही है, संगणक को तो हम चलेंगे दोस्तों। ओके, बाकी अगला संगणक के बाद नेक्स्ट टारगेट ASO का रहेगा। ओके, तो ASO की क्लास डेली 2 घंटे चलेगी, और जैसे संगणक का एग्जाम पूरा हो जाएगा फिर टॉपिक वाइज वो तो मैं दोस्तों बोलूंगा नहीं, बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता करने के लिए। ओके, तो दोस्तों बने रहिए डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप के साथ, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। ओके, और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दे, मैं हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। हमारी टीम के नंबर है 7737052390। लेकिन दोस्तों कॉल करने का समय 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, ये स्ट्रिक्टली रहना। आप दोस्तों रात को 2-2 बजे भी कॉल कर देते हो ये गलत बात है, तो 10 से लेकर 6 बजे तक आप टाइम कॉल है, इस दौरान कॉल करोगे या मैसेज करोगे, इससे पहले या बाद में आप कॉल या मैसेज नहीं करोगे। अगर आपका कॉल अगर उठाते नहीं है तो आपको वापस कॉल बैक कर दिया जाएगा, मैं खुद कॉल बैक करता हूं दोस्तों बच्चों से, इसलिए दोस्तों 10 से लेकर 6 बजे के दौरान कॉल करना है, इससे पहले और बाद कॉल नहीं करना, मतलब नहीं करना। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक।